हेडलाइंस के बाद रुक करते हैं खबरों का। राजस्थान कांग्रेस प्रभारी अजय माकन के दौरे के बाद मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर कयासों का दौर गर्म है। जहां एक ओर मंत्रिमंडल में कई मंत्री बदले जाने की बात सामने आई है, वहीं सचिन पायलट को एक बार फिर राजस्थान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में देखे जाने की बातें भी सूत्रों के हवाले से सामने आ रही है। इन सब मुद्दों को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वरुण पुरोहित ने एमकेएन संवाददाता गौरव गुप्ता से खास बातचीत की। वरुण पुरोहित अपने बेबाक नजरिए के लिए जाने जाते हैं। चर्चा के दौरान उन्होंने कहा, मंत्रिमंडल विस्तार में प्रियंका गांधी की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। साथ ही उन्होंने मंत्रिमंडल के मंत्रियों को चुने जाने के लिए सीएम अशोक गहलोत की तरफदारी की और बताया कि ये अधिकार सीएम का है, वो ही अपना मंत्रिमंडल चुनेंगे। अरुण पुरोहित ने क्या कुछ और कहा, आइए सुनते हैं। जो पॉलिटिकल नियुक्तियों की चर्चा है, ये सब चीजों की चर्चा हम लोगों से कर रहे हैं। राजस्थान में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर इन दिनों कयासों का दौर गर्मी पर है। जहां एक ओर माकन के दौरे के बाद ये माना जा रहा था कि मंत्रिमंडल का विस्तार 15 अगस्त तक हो जाएगा, वहीं अब लगता है कि पूरा अगस्त ही मंत्रिमंडल विस्तार के नाम होगा। इसी के चलते हम कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वरुण पुरोहित से भी बात करेंगे, उनसे भी समझने की कोशिश करेंगे कि वो इस राजनीतिक उथल पुथल को किस तरीके से देखते हैं, उनके नजरिए से मंत्रिमंडल विस्तार किस तरीके से होगा। इसी मुद्दे को लेकर अब हम बात करेंगे डॉक्टर वरुण पुरोहित जी से, जो कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे हैं, वरिष्ठ नेता हैं, और अभी इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि माकन साहब के आने के बाद अब क्या सिनेरियो चल रहा है राजस्थान की मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर। देखिए, जब से पंजाब का डिसीजन हुआ है, उत्तराखंड का हुआ है, आसाम का हुआ है, मैंने पहले भी सब टीवी चैनल्स पे कई बार कहा, प्रियंका गांधी जी का रोल जो है राष्ट्रीय स्तर पे बढ़ता जा रहा है। और राजस्थान के सचिन पायलट जी का भी जो बात हुई थी वो प्रियंका गांधी जी से ही हुई थी। उस समय राहुल गांधी जी से भी हुई थी, लेकिन प्रियंका गांधी जी का मेन रोल था। तो उन्हीं के, जहां तक मैं समझता हूं, क्योंकि केसी वेणुगोपाल भी संगठन महामंत्री हैं, वो भी आए, अजय माकन का भी दो बार दौरा हुआ, विधायकों से भी उन्होंने रायशुमारी की, तो ये सारा जो है केंद्र के आलाकमान के निर्देश पर किया गया है। और मैं समझता हूं, आप 15 अगस्त कह रहे हो, अगस्त मेरे ख्याल से नहीं निकलनी चाहिए। थोड़ी सी हो सकता है एजिटेशन अशोक गहलोत जी को हो रही है, सचिन पायलट जी का, उनके मन में ये है कि साहब वो पार्टी छोड़ के जा रहे थे, ये थोड़ा सा उनके मन में है, तो हो सकता है डाइल्यूट हो जाएगा थोड़े दिन में, लेकिन ज्यादा समय नहीं लगेगा। जिस हिसाब से केंद्र में प्रियंका गांधी जी का रोल बढ़ रहा है और यहाँ पर भेजे दोनों महामंत्री, उन्होंने सब किया, तो मुझे नहीं लगता है कि ज्यादा देर इसमें निकलेगी, ज्यादा समय नहीं निकलेगा। सर, जैसा आप बता रहे हैं कि ज्यादा समय तो नहीं लगेगा, पर एक चीज और देखने में आ रही है कि कुछ जो सत्ता में जो चल रही है, आज बातें चल रही हैं, उन बातों को देखते हुए कई तरीके की बातें सामने आ रही हैं कि गृह मंत्रालय भी ट्रांसफर हो सकता है, गृह मंत्रालय पायलट साहब के पास आ सकता है, इस तरह के कुछ कयास चल रहे हैं। तो कयासों पे क्या विराम देना चाहिए, या आप क्या कहते हैं, कुछ कयासों में कुछ निकल के आए? आप कयासों पे बिल्कुल विराम दे दीजिए, गृह मंत्रालय या कोई वित्त मंत्रालय ऐसा कुछ भी सचिन पायलट जी को देने की तय नहीं है, वो तो मुख्यमंत्री जी का प्रेरोगेटिव होता है, वो किसको दे किसको नहीं दे। ऐसा प्रियंका गांधी जी इतना इंटरफेयर भी इतनी लो लेवल पे जाके नहीं करेंगी कि भाई इस आदमी को ये डिपार्टमेंट दीजिए दीजिए। उनका जो मुख्य उद्देश्य है, पार्टी यूनाइट रहनी चाहिए आने वाले चुनावों में, नरेंद्र मोदी जी और जो आज की भाजपा का जिस प्रकार का रोल है उससे चुनौती है, उसको लड़ने के लिए हमको पार्टी को एकजुट होना है, बस उनका यही एक संदेश है, यही उनका उद्देश्य है। अब किसको क्या डिपार्टमेंट देंगे तो मुख्यमंत्री जी डिसाइड करेंगे। आप जो कह रहे हो ये हो सकता है भाई 5 मंत्री मेरे गुट के लीजिए या 4 मंत्री लीजिए, ऐसी मेरे को अखबारों में ये कयास ही लग रहे हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। लेकिन ये जरूर है कि कुछ ना कुछ ऐसी गाइडलाइन बनाएंगे, जैसे वरिष्ठ नेताओं को कैबिनेट मिनिस्टर बनाए, जो बसपा से और निर्दलीय जिन्होंने सपोर्ट किया है, उन्होंने जो साथ दिया है कांग्रेस पार्टी का, उनको भी कोई ना कोई ठीक महत्वपूर्ण पद दिए जाएं, जिससे आगामी जो 1.5-2 साल बाद, अब 2.5 साल तो हो ही चुके हैं, 2 साल बाद चुनावी मोड में आ जाएगी पार्टियां, तो उसको देखते हुए, वो चुनाव को देखते हुए इसका पुनर्गठन किया जाएगा। तो ये हमारे साथ है वरुण पुरोहित जी, और इन्होंने हमें बताया कि किस तरीके से मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर और महंगाई को लेकर क्या मुद्दे चल रहे हैं, किस तरीके से कांग्रेस आने वाले दिनों में हमें दिख सकती है, फिर एक बार अपनी बाजी खेल जाएंगे और एक मंत्रिमंडल हमें ऐसा देखने को मिलेगा जिसमें पूरी तरीके से अशोक गहलोत हावी नजर आएंगे। कैमरा पर्सन अमित के साथ गौरव, MKN जयपुर। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए जयपुर से हमारे संवाददाता गौरव गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गौरव, इन दिनों राजस्थान में कैबिनेट विस्तार को लेकर बहुत ज्यादा राजनीतिक सरगर्मी मची हुई है, तो क्या अभी इस वक्त राजनीतिक समीकरण निकलकर सामने आ रहा है राजस्थान से? देखिए, राजस्थान की अगर हम बात करें तो इस समय
जो समीकरण चल रहे हैं वो कहीं ना कहीं ऋषभ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट को लेकर चल रहे हैं। इसमें भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस समय जहां एक बार ये सिनेरियो बन गया था कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को एक तरफ करते हुए पूरी तरह से जो केंद्रीय आला कमान है उन्होंने सारी ये बागडोर अपने हाथ में ले ली थी ऐसा लग रहा था, वहीं अब सिनेरियो कुछ चेंज होता हुआ नजर आ रहा है और यहाँ पे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से जो गांधी परिवार के नजदीकी नेता है वो भी मुलाकात करने जयपुर पहुंच रहे हैं। तो इसको देखते हुए ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं अब मंत्रिमंडल का जो विस्तार होने जा रहा है उसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की भी मुख्य भूमिका रहने वाली है। क्योंकि अगर हम बात करें पिछले ही दिनों कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष शिव कुमार गहलोत से मिलने जयपुर आए और जयपुर से फिर वो सीधे दिल्ली पहुंचे, तो इसमें कहीं ना कहीं इस तरीके से जोड़ के देखा जाए तो ये सामने निकल के आ रहा है कि जहां एक बार ये माना जा रहा था कि अशोक गहलोत अब शांत हो गए हैं, अशोक गहलोत अब सत्ता में जो मंत्रिमंडल का नया मंत्रिमंडल बनने वाला है उसमें ध्यान नहीं दे रहे हैं, वहीं अब एक चीज निकल के आ रही है कि लगातार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपने जो समीकरण है उनको बनाने में लगे हुए हैं। हाँ, गहलोत के लिए चुनौती जरूर है कि विरोधियों और वफादारों में से किसको वो चुने, उनको चुनना किसे है, क्योंकि गहलोत ने कहीं ना कहीं विरोधी जेले हैं, उसके बाद 6 विधायक बसपा से कांग्रेस में आए और अब एक कुल 106 विधायक है जिनमें से ऑलरेडी गहलोत के 20 मंत्री बैठे हैं कैबिनेट में। अब कैबिनेट में बैठे हुए मंत्री हैं, उनके वफादार मंत्री हैं, उनमें से कई अगर किसी को हटाते हैं तो किसको ले जो जिन्होंने उनका साथ दिया बसपा का, तो इस तरीके के समीकरण जरूर निकलने आ रहे हैं। एक दूसरी देखे चुनौती की हम देखे तो क्षेत्रीय और जातिगत समीकरण को लेके भी गहलोत के लिए चुनौती है, क्योंकि गहलोत को कहीं ना कहीं ये देखना होगा कि क्षेत्रीय स्तर पे, क्योंकि आगामी उपचुनाव होने वाले हैं तो वल्लभ नगर और जल्द ही उपचुनाव होंगे, तो उन उपचुनावों को देखते हुए कहीं ना कहीं गहलोत को ये भी देखना होगा कि क्षेत्रीय समीकरण ना बदले, जातीय समीकरण ना बदले, जातीय समीकरण और क्षेत्रीय समीकरण। गौरव आप बता रहे हैं क्षेत्रीय समीकरण की बात कर रहे हैं, जातीय समीकरण की बात कर रहे हैं। कुछ समय पहले जो मंत्री हैं राजस्थान के एक और मंत्री, उनका एक वीडियो इन दिनों वायरल हो रहा था जिसमें वो कह रहे थे कि मैं ज्यादा दिन का मेहमान नहीं हूं, यानी कि उनके पास जो मंत्रालय है वो ज्यादा दिन का नहीं है। तो क्या इस बार मंत्रिमंडल में कुछ बड़े फेरबदल होने वाले हैं, क्या कुछ बड़े फैसले होंगे इस बार? देखिए जिस तरीके से चल रहा है उस समय देखने से यही लग रहा है कि बड़े फेरबदल जरूर आएंगे, पर जिस तरीके से अब गहलोत ने कमान संभाली है, जिस तरीके से गहलोत के हाथ में बाजी आती जा रही है उसको देखते हुए ये समीकरण कुछ बदलते हुए दिख रहे हैं। कि जैसा कि अगर आप इनकी बात कर रहे हैं, कुछ दिनों पहले जो वीडियो वायरल हुआ था जो शिक्षा मंत्री का, उस वीडियो के बाद शिक्षा मंत्री अभी भी बने हुए हैं और वहीं गहलोत के जो बहुत करीबी मंत्री माने जाते हैं रघु शर्मा, वो इस समय छुट्टियां बनाने गोवा की तरफ निकल गए। तो इन स्थितियों को देखते हुए ऐसा लगता है कहीं ना कहीं जो एक प्रेशर था इन लोगों पर देखने को मिल रहा था कुछ समय तक, कुछ समय पहले जब माकन यहाँ आए थे, माकन का दौरा जब चल रहा था, उनका वीडियो वायरल हुआ डोटासरा का, डोटासरा ने ये कहा कि मैं 4-5 दिन का मेहमान हूँ, जो कराना है करा लो। तो इस तरीके का वीडियो देख के जहाँ ये लग रहा था कि हाँ 4-5 दिन में कुछ होने वाला है, 15 अगस्त तक कुछ होगा, वो एकदम से कुछ रुक सा गया है। अब पूरा अगस्त उसके अंदर जाता हुआ नजर आ रहा है, तो ये ऐसा लग रहा है कि एक बार फिर से कहीं ना कहीं अशोक गहलोत फ्रंट पे आ गए हैं। कोई ना कोई मास्टर स्ट्रोक, राजनीति का जादूगर उनको कहा जाता है, तो ऐसे ही नहीं कहा जाता, वो कोई ना कोई मास्टर स्ट्रोक खोलने की पूरी तैयारी में है और जल्दी इसका हमें ठीक है गौरव देखने को मिलेगा। गौरव, सीएम अशोक गहलोत की बात कर रहे हैं आप, सचिन पायलट की क्या भूमिका रहने वाली है? क्योंकि कुछ समय पहले तक ये खबरें भी आ रही थी कि राजस्थान में कांग्रेस के अंदर कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। बिल्कुल, देखिए कुछ समय पहले जिस तरह की खबरें आ रही थी कांग्रेस के अंदर कुछ ठीक नहीं चल रहा है उसको, हालांकि कांग्रेस द्वारा हर बार ये बात को दरकिनार कर दिया गया, इस बात को खारिज किया गया कि उनके द्वारा ये कहा गया, चाहे सचिन पायलट हो चाहे कोई भी हो, उनके द्वारा ये कहा गया कि कांग्रेस में सब ठीक है। हाँ, कहीं ना कहीं ये पायलट की प्रतिष्ठा का सवाल इस समय जरूर बना हुआ है, क्योंकि पायलट समर्थक जो विधायक पिछले दिनों मुख्यमंत्री से मुलाकात भी कर चुके हैं, बीते एक साल में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर, राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर पायलट कई बार दिल्ली भी जा चुके हैं, गांधी तक से मुलाकात कर चुके हैं, तो इसको देखते हुए कहीं ना कहीं ये पायलट के लिए प्रतिष्ठा का सवाल है। और जिस तरीके की खबरें सूत्रों के अनुसार आ रही है उससे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं सचिन पायलट को एक मुख्य पद मिलने वाला है। उम्मीद ये भी जताई जा रही है कि सूत्रों के हवाले से ये भी खबरें आ रही है निकल के, हो सकता है कि पायलट को फिर से एक बार राजस्थान कांग्रेस की बागडोर सौंपी जाए, पायलट को एक बार फिर से पीसीसी चीफ बनाया जाए, उनको प्रदेश अध्यक्ष के तौर पे एक बार फिर से नियुक्त किया जाए, इस तरह की खबरें भी निकल के सामने आ रही हैं। तो कहीं ना कहीं पायलट का भी एक बहुत बड़ा अहम रोल होने वाला है। पर जहां तक मंत्रिमंडल के विस्तार की बात है, वहां
गहलोत की भूमिका मुख्य होती नजर आ रही है। आज हमारी जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं वरुण पुरोहित, जो कि केंद्रीय राजनीति में पूरी तरह से सक्रिय हैं, उनसे भी बात हुई। उनका भी कहना यह है कि प्रियंका गांधी का इसमें हस्तक्षेप जरूर है, पर मंत्रिमंडल के फैसले को लेकर उन्होंने भी अशोक गहलोत की ही तरफदारी की है। उन्होंने भी यही कहा है कि अशोक गहलोत इसको लेंगे, तो कहीं ना कहीं यहाँ पायलट को एक मुख्य भूमिका मिल सकती है। पायलट आने वाले समय में ठीक है, चेहरा है, ठीक है। चलिए गौरव, राजनीति में बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए, बहुत सही बात है। आप हो सकता है कि सचिन पायलट को एक अहम भूमिका निभाने के लिए एक नौता दिया जाए। तो ये बड़ी खबर थी राजस्थान से, आपको बता रहे थे, जहां पर राजस्थान में इस वक्त कैबिनेट बैठक को लेकर कयासबाजी शुरू हो चुकी है।